तू सोशल मीडिया पे है? आपको पता है आपकी फोटो के नीचे कमेंट्स में एक बंदा लिखता है बैड, डिस्गस्टिंग, खराब। हाँ तो है ना, पता नहीं क्या उसको मेरे से दुश्मनी है। ओह नो, वो मैं हूँ। आज तो मैं तुझे पूरा अनइंस्टॉल कर दूंगा। बेच दिया? अबे ओ साइकिल बेची है, ऐसा बोल रहा हूँ। मुझे साइकिल वाला ब्रेक नहीं चाहिए, शांति वाला ब्रेक चाहिए। क्या कर रहा है ये? तू क्या कर रहा है भाई? शांति लिख रहा हूँ अपने हाथ में। अरे तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो, मुझे मार्क जुकरबर्ग से ब्रेक चाहिए। ये कौन है सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्टर? इसके कारण मैं अपनी जिंदगी में किसी चीज पे फोकस नहीं कर पा रहा। hey! पर ऐसे नाजुक उम्र में तुझे जिंदगी पे फोकस क्यों करना है? मजे कर मजे। तुम लोग अपनी जुबान पे ब्रेक मारो ब्रेक, वरना मैं हैंड ब्रेक दूंगा। oh, no! नहीं भाई नहीं, सीट बेल्ट भी नहीं पहना। पर तुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या? मुझे सब सोशल मीडिया से ब्रेक चाहिए, मतलब कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप से। तुम्हें पता भी है मार्क जुकरबर्ग कौन है? हमको आलिया भट्ट समझाए क्या? हमको सब पता है, तो कब से दिमाग क्यों खा रहा मेरा? सोच के तो तू दिमाग खत्म करता ही नहीं है, इसीलिए सोचा हमने थोड़ा खा के खत्म कर दे। ओ भाई मैं वेजिटेरियन हूँ। हाँ तो हमारा नमन कौन सा नॉन वेजिटेरियन है जिसका दिमाग खा के तेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? इस हिसाब से मुर्गी और बकरी भी वेजिटेरियन होती है, वो भी घास फूस खाती है, पर उस घास फूस में कीड़े तो होते हैं ना, हमारा नमन कीड़े नहीं खाता। तुम्हें पता है कि कीड़ों को कैसे मारा जाता है? ऐसे ऐसे मारूंगा तुम्हें अगर बकवास बंद नहीं की तो। सॉरी टू इंटरप्ट, पर कोई अहिंसावादी इंसान वेजिटेरियन नहीं बन सकता। पर तुझे क्या फर्क पड़ता है कि मैं वेज हूँ या नॉन वेज? उससे तो डिसाइड होगा ना कि तेरा दिमाग खाना है कि नहीं, वही मुद्दा है आज का। आधा वीडियो चला गया पर इसको मुद्दा नहीं समझ में आया। सोशल मीडिया से ब्रेक चाहिए। हाँ तो ब्रेक ही चाहिए ना। कौन सा इंस्टाग्राम के 10% शेयर खरीदने? ले 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 भाई, इतनी आसानी से ब्रेक मिल जाता तो तुझे 50% दे देते अपनी जायदाद से। तेरे पास जायदाद भी है? शकल पे मत जा, शकल से तो मुकेश अंबानी बैंक मैनेजर लगता है। SBI बैंक का होगा, इसलिए विजय माल्या को उसने बैंक लोन नहीं दिया। तुम लोग जाओ यार, मैं अपना देख लूंगा खुद ही। मैंने आज सुबह पेपर में यही पढ़ा था, मैं सोशल मीडिया से ब्रेक ले रहा हूँ, ये पेपर में भी आ गया। ना ना, हर इंसान को अपना खुद देखना चाहिए, कोई हेल्प करने नहीं आता। मैं आऊंगा ना भाई, तू आवाज दे के देख। जैसे कि आवाज देने से तुम लोग आ जाते हो, वैसे वापस भेजने के लिए क्या करना पड़ता है वो बताओ। दो दावेली और एक वड़ा पाव खिला दे, हम चले जाएंगे। क्या हुआ? क्या कर रहा है? तुम्हारे घर पे ऑर्डर कर दिया, जाओ। क्या क्या किया तूने? दो वेजिटेरियन मुर्गी, जाओ। Eight hours later. पापा, मुझे आपके एक्सपीरियंस की जरूरत है। मेरे बैग में पड़ा है, जाके ले ले। मम्मी ने सही बोला, एक्सपीरियंस उन्हीं के पास होता है जिसने कुछ किया होता है। ओ, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ किया है, तो फिर मेरी आंखें खराब हो गई, मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। ओह नो, पर तुझे देखना क्या है? मुझे ये देखना है आपके
थे। तू सोशल मीडिया पे? आपको पता है आपकी फोटो के नीचे कमेंट्स में एक बंदा लिखता है बैड, डिस्गस्टिंग, खराब, आता है ना, पता नहीं क्या उसको मेरे से दुश्मनी है। ओह नो, वो मैं हूँ। क्या घर का बेद ये लंका डाल? लंका तो मैं कब के दादू पापा, बस राम नहीं मिल रहा। राम क्या, तुझे सारे भगवान याद दिला दूंगा आज। याद मैं कर लूंगा, आप भूलना कैसे वो बता। सारी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर ले। वो तो दिन में मैं 10 बार करता हूँ, तो फिर इंस्टॉल कैसे हो जाती है वापस? वायरस, तेरे फोन में वायरस भी है? फोन में नहीं है, दिल में है, दिल में है। तो अभी एक ही ऑप्शन बचा है, दिल को अनइंस्टॉल कर दे। पागल हो क्या, अगर दिल निकल जाएगा तो मैं जूंगा कैसे? जीके भी क्या करना है, फोटोज पे इतने गंदे गंदे कमेंट्स करता है। ये किसका कमेंट आया? रोज सेल्फी मत डाला करो, गंगा तो साफ हो नहीं रहा, फेसबुक कैसे करेंगे? तू तो यहाँ बैठा है, तो फिर कमेंट किसने किया? वो मैंने ऑटो कमेंट लगाया है, जैसे आप कोई पिक्चर डालोगे मेरा डायरेक्ट कमेंट आ जाएगा। आज तो मैं तुझे पूरा अनइंस्टॉल कर दूंगा। ओह नो मम्मी, खत्म। सो है सब गाइस, वेलकम टू नमन सोप चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, मजा कर होंगे गाइस। और आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, लो सब्सक्राइब करते हो, मुझे 1 मिलियन तक रीच होना, जल्दी से 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स करवा दो। आप बहुत स्लोली हो सब्सक्राइब करने में। रोग है लगा हुआ जो लिखता हर बात पे, मिलूंगा मैं मरा हुआ नशेड़ियों के साथ में, उस रात में मौजूद था जो तेरा है वजूद, बेटे नाचते हैं तेरे जैसे लड़के मेरी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।